मुगलकालीन बंगाल में आधुनिक बांग्लादेश, मुगलकालीन बंगाल में आधुनिक बांग्लादेश, आधुनिक बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, 1651 में, 1651 में सूबेदार, बंगाल के सूबेदार, सूबेदार शाह सूजा से, 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह सूजा से अनुमति प्राप्त करके, शाह सूजा से अनुमति प्राप्त करके अंग्रेजों ने शाह सूजा से अनुमति प्राप्त, शाह सूजा जो है ये शाहजहां का लड़का है, ठीक है, शाह सूजा से अनुमति लेकर अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की, हुगली, पहली फैक्ट्री हुगली में स्थापित की, ठीक है, ये जो फैक्ट्री है, ये कारखाना है अंग्रेजों का, हुगली में स्थापित किया। लेकिन स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान को माना जाता है, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खान को माना जाता है, ठीक है, मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल का सबसे सशक्त नवाब, बंगाल का सबसे सशक्त नवाब अलीवर्दी खान हुआ, बंगाल का सबसे सशक्त नवाब अलीवर्दी खान हुआ, ठीक है, अलीवर्दी खान हुआ, जिसने कलकत्ता और चंद्रनगर के, जिसने कलकत्ता और चंद्रनगर के, ठीक है, ध्यान देंगे, कलकत्ता अंग्रेजों का केंद्र है, चंद्रनगर फ्रांसीसियों का, जिसने कलकत्ता और चंद्रनगर में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों द्वारा किए जा रहे किलेबंदी का विरोध किया,